यूपी के जनपद मथुरा के थाना राया में शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर अचानक थाने पर पहुंच गए। उनके साथ एसपी देहात श्री चंद ने भी थाना राया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मालखाना रिकॉर्ड रूम रजिस्टर थाना परिसर की साफ सफाई आदि का निरीक्षण किया। वहीं पूरे प्रदेश में चल रहे महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति अभियान, महिला हेल्प डेस्क आदि को भी देखा तथा लंबित मामलों का निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी की कार्यशैली से संतुष्ट नजर आए। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक सूरज प्रकाश शर्मा, कस्बा प्रभारी अजय अवना, एसआई संदीप यादव सहित समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मथुरा। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 17 अक्टूबर से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है और कल पूरे प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और उसका जो है शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ से किया गया था। उसी क्रम में आज यहाँ थाना राया पर महिला हेल्प डेस्क जो बनाया गया है वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं जो इसी बात के लिए ट्रेंड हैं कि महिला को कोई भी समस्या यदि वो लेकर थाने पर आती हैं तो कैसे सुविधाजनक और वरीयता से उनकी समस्या को या उनकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई हो सके। इसके साथ साथ थाना राया का भी भ्रमण किया गया है, अभिलेखों का निरीक्षण किया जा रहा है, थाने जो हैं वो सुचारू रूप से चल सके, उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके और क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए वो सुदृढ़ हो सके इसका पूरा प्रयास होगा। सब कुछ विशेष निर्देश दिए गए देखिए जो क्राइम कंट्रोल को लेकर के और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि राया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बा है और यहाँ पर बहुत सी गतिविधियाँ होती रहती हैं, आपराधिक तत्वों के ऊपर सख्त निगाह रखने के लिए, यदि कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है या क्राइम करने के लिए कोई योजना बना रहा है पहले से जानकारी करके उनके ऊपर सख्त नोटात्मक कार्रवाई की जाए और लगातार भ्रमणशील रहकर जितना भी हमारा व्यापारी वर्ग है, धार्मिक रूप से जो भी संस्थान हैं, महिलाओं की कोई समस्या है उनको प्रोएक्टिव होकर के सड़क पर पैदल गश्त करते हुए उनको सुना जाए, उसके बारे में ध्यान दिया जाए, दिशा निर्देश में वो दिए।